अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जल्दी बोल कहाँ है वो? बोल। विभास। बता। बता कहाँ है? छोड़। बता कहाँ? विभास। बता। क्या ले गए कल? अपनी माँ की बेइज्जती होने में ले गए। बताइए। ये क्या किया आपने विमान? ये क्या कर दिया आपने? आपने एक इंसान का कत्ल कर दिया, मार दिया इसे। हमें ना तुम्हारी मदद की जरूरत है। बोलिए, हम क्या करें आपके लिए? बाकी हमें ना कुछ बच्चों की रखवाली करने का काम मिला था। तो फिर आप नहीं किए का? अरे हम कैसे करते रखवाली, जब उनकी माँ गई तो वो लोग गायब हो गए। अब हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल नहीं रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा उन्हें कहाँ ढूंढे। तो हम क्या करें आपके साथ ढूंढने का? हाँ देखो, वो तुम्हारी उम्र गई है, तुम्हें पता होगा कहाँ है। पहले हमको ये बताइए वो तीनों है कौन? आजाद गंदमाना बहुत बच्चे है। हाँ बता रहे, देखो तीन बच्चे, दो लड़के और एक लड़की, तुम्हारी उम्र के आसपास। एक लड़का इतना है, दूसरा इतना, हाँ, और वो लड़की इतनी होगी, हाँ, और वो लड़की है ना, उसको काला टीका लगा हुआ है। काला टीका? उधर मेरी माई भी लगाई है, ये देखो। ऐसे ही ये काला टीका से बुरी नजर नहीं लगती है, समझेगा? आप उन लोगों का नाम बताइए, नाम। क्या हुआ, नाम नहीं बता का? ठीक है ये बता दो कि वो कहाँ रहता है। हाँ ये हमें पता है, वो जो बस्ती में मंदिर है ना उसके पीछे वाले घर में। अच्छा वो मंदिर के पीछे, उधर तो बीजू रहता है। हाँ हम समझ गए, अब बीजू को, साची को और मन्ना को ढूंढना था का? अरे वो तीनों तो बहुत बरबंट है। बरबंट मतलब? बरबंट का मतलब मस्तीखोर। मस्तीखोर तो बहुत बड़े हैं वो लोग, देखो ना गायब हो गए। अच्छा तुम हमें ये बताओ कि वो लोग कहाँ मिलेंगे? हम साक्षी की सली को जानते हैं, वो का पता होगा। अरे पता हुई है तो वहाँ चलो ना, पूछते उनसे चलो। अरे नहीं नहीं भैया, हमारे पाँव में बहुत दर्द है, सवेरे से बहुत खेले है ना, तो थक गए हमारे पैर। अरे मतलब तुम हमारी मदद नहीं करोगी? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कर सकते हैं, पर आप हमको आपकी कंधे पर बिठा के ले चलो, तब चली है। ठीक है बेटा, तू भी मौके का फायदा उठा ले। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये तो चकोर की भी नानी है। आओ बैठो कंधे पर। अरे अब ये तो बताओ जाना कहाँ है? उधर। चलो रागनी, इसमें इसमें हमारे विमान की कोई गलती नहीं है। अरे ये गुंडे तुम्हारा पता लेने के लिए हमारे साथ हाथापाई करने लगे, तो इसमें विमान क्या करता? उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा रागनी। तुम तो जानती हो ना रागनी, हमारे हमारे विमान ने आज तक चीटी तक नहीं मारी, तो वो ऐसे इंसान को कैसे मार सकता रागनी? तुम कुछ करो रागनी, हमारे विमान को बचा। और तुम खुद ही देखो, देखो तुम
विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने ये सब क्या कर दिया। कुछ करो रागिनी। विवान भैया आप परेशान मत होइए, आपने कोई गलती नहीं की। हमने उसे मार दिया, मर गया वो। नहीं विवान भैया, आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। अरे कोई भी गैरतमंद बेटा वही करता अपनी माँ की इज्जत के लिए जो आपने किया। आपने सही किया, आप सब छोड़िए और घर जाइए। हम जा कैसे सकते हैं यहाँ पे ये सब। अरे विवान भैया हम हैं ना, हम सब संभाल लेंगे और ये लाश, इस लाश को हम ठिकाने लगा देंगे। आप घर जाइए विवान भैया। तुम ये करोगी हमारे लिए? क्यों नहीं करेंगे, आप हमारे भाई हैं विवान भैया। पुलिस के पास ये रिपोर्ट नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो विवान के लिए दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। उनके पास तो ऑलरेडी एक रिपोर्ट मौजूद है। विवान भैया आप हमारे साथ और इनकी परेशानी हमारी परेशानी, और हमारे होते हुए पुलिस हमारे भाई को छू भी नहीं सकती। क्यों रख रही, हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर याद रखेंगे। अरे एहसान तो गैरों पर करते, आप तो हमारे अपने हैं। अरे इस कड़कती हुई धूप में कहां तक घुमाओगी हमें? बस आ गया। कहाँ आ गए? साक्षी की जो सहेली रास्ता बता रही थी ना, वो यही है, उलग यही है। कमल नारायण की हवेली, बच्चे हवेली में है। ये मौसम को अचानक क्या हो गया? हमारा मन भी हल्का लग रहा है। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सूरज हमारे आसपास ही है? ये हम भी कैसे फिल्मी बातें कर रहे हैं? मन हल्का हो रहा है, मौसम बदल रहा है, हीरो आसपास ही है। सूरज यहाँ कैसे हो सकता है? जैसा इमली ने बताया वो तो इस वक्त काम कर रहा होगा। हमारी तो किस्मत ही खराब है। अरे ये बच्चों को भाग कर आना था तो क्या इस हवेली में ही आना था? और कोई जगह नहीं जा सकते थे? हम अंदर कैसे जाएंगे, हम तो अंदर जा ही नहीं सकते। लेकिन एक मिनट, ये बच्चे खेलने के लिए हवेली क्यों आए? उन्हें तो इस पाप की कोठरी से दूर रहना चाहिए। उन लोग खेलने नहीं आए हैं, चोरी करने आए हैं। चोरी? हाँ, वो भी बड़े माले के कमरे से। ये क्या कह रही हो तुम? कमल नारायण के कमरे से क्या चोरी करेंगे वो? चौकीदार छुपिए। भैया साक्षी की सहेली आपका पता ही रही है, वो अपनी बीजू और मुन्ना की माई है ना, उसकी बियाली अंगूठी मालिक छीन लिए थे। तो लोग बहुत समय से मालिक से वापस लेने की योजना बना रहे थे। लोग अपनी माई का जायका प्रतीक्षा भी कर रहे थे ताकि वो लोग घर से बाहर निकले तो मिल गया ना उनको एक मौका।
अरे ये मौका आज ही मिलना था क्या, जब हमारी निगरानी में थे? अगर कमल नारायण ने उन्हें पकड़ लिया ना तो उनकी शामत आ जाएगी, उल्टा टांग देगा उनको। क्या मुसीबत है ये, अब इस मुसीबत से हमें एक ही इंसान निकाल सकता है। चकोर दीदी है ना? हाँ चकोर। सूरज की आवाज, अरे कान बज रहे, क्या सच में सूरज बुला रहा है हमें? बैठने की आदत नहीं है ना हमें, इसलिए हमारा दिमाग खराब हो रहा है। कभी मौसम बदल जाता है, कभी सूरज बुलाता है। सूरज क्यों बुलाएगा? वो तो हमसे मिलना ही नहीं चाहता था, उसे हमारी याद भी नहीं आ रही होगी। हम आपको लेकर अंदर चलते हैं। नहीं, क्या कर रही हो? अरे पाखी, हम अंदर नहीं जा सकते, चकोर से तो बिल्कुल नहीं मिल सकते। अगर गलती से भी हमारी और चकोर की मुलाकात हो गई ना तो बस्ती वालों की होली छिन जाएगी उनसे, और अगर ऐसा हो गया ना चकोर हमें ही दोषी ठहराएगी। अरे लड़ लड़ के हमारी जान खा जाएगी वो, हम नहीं जा सकते अंदर। सूरज भैया, आपको हर टाइम परेशानी चकोर दीदी से ही होती है। अगर आप चकोर दीदी से नहीं मिले तो आपकी मदद कौन करिए? ये बात भी बिल्कुल सही है, चकोर के अलावा हमारी मदद कौन कर सकता? क्या मुसीबत है ये, एक तरफ बच्चों की जान है और एक तरफ बस्ती वालों की खुशियां, किसको बचाए? लोगों की जिंदगी बचाने से बढ़कर दूसरा कोई काम नहीं होता। अगर हमने बच्चों को नहीं बचाया या फिर बच्चों को कुछ हो गया तो गांव वाले वैसे भी होली नहीं मनाएंगे। हमें बच्चों को ही बचाना चाहिए, हमें अंदर जाना ही पड़ेगा। बस बाकी तुम ये प्रार्थना करना कि गलती से भी हमारी और चकोर की मुलाकात ना हो जाए, ठीक है? लेकिन अंदर जाएं कैसे? दीदी, वो डॉक्टर हमका बोले कि अगर हमका माँ बनना है तो उसके पहले हमका ये सारे फल खाए का पड़ी। और तुमको पता है विवान ने तो हमारे लिए सारे फल के एक एक टोकरी भिजवाई है, अभी हम रोज थोड़ा थोड़ा खाइए। कभी ना कभी तो बोले ना तो हमारी प्रार्थना सुनी है ना, और हमारी कोक वो भी जल्दी भरती है ना। चकोर हमें मिली को वो नहीं दे सकते जिसके लिए वो तड़पती, हमें मालूम है हम ना भूल सके। तुम दोनों बच्चे के बारे में कैसे सोच सकते हो? कैसे सोच सके थे मत पर काहे नहीं सोचे दीदी, मेरा बच्चा हमरी और विवान की जीती जागती प्यार की निशानी हुई है। लगता है विवान ने इसे नहीं बताया कि वो बाप नहीं बन सकता। कहा हुआ दीदी, तू कहा सोच रही है? वो इमली इतनी टेंशन चल रही है तो हमने सोचा इसमें बच्चे के बारे में सोचना ठीक नहीं है। हाँ दीदी, तो ठीक बोला था, अगर हम विवान से ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो विवान एक दिन हमको छोड़ के चला जाइए, तो हम नहीं चाहते। इसलिए हमने तय किया दीदी कि अब से हम विवान के साथ बहुत प्यार से रहिए और उससे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करी। और दीदी, एक बार तुम बचवा खो चुके, दूसरी बार हम नहीं चाहते, बचवा चाहते। उनका हमारी कोक सुनी अच्छी नहीं लागत। मेरी डाक बाबा ने चाहा तो सब ठीक हो जाए। हम जाना था दीदी कि एक ना एक दिन सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए, पर कब होगा उसे? विवान ने हमका वचन दिया कि कमल नारायण और रागिनी के साथ काम तो जरूर कर, पर उनके जैसा कब्बू नहीं बनी, कभी भी खून खराबा गलत काम कब्बू नहीं करी।
अब तुझे कैसे बताए कि तू कभी विवान के बच्चे की मां नहीं बन सकेगी। बच्चे कहा? बच्चे कब? दीदी हमें लगा हमने कुछ बच्चों को देखा यहाँ। ये सूरज के चक्कर में ना बहुत कुछ सुनाई देने लगा है, बहुत कुछ दिखाई देने लगा है। उसकी चिंता करना बंद करना पड़ेगा। उसे अपनी जिंदगी जीने देते हैं और हम अपनी जिंदगी जीते हैं। ए पाकी कहाँ जा रही हो तुम? तुम अंदर नहीं जा सकती। अगर कमल नारायण ने देख लिया ना तो उल्टा टांग देगा तुम्हें। अरे आप समझत काहे नहीं है? अगर हम ऐसा नहीं किए तो आप अंदर कैसे जाइए? अरे बड़ा कौन है, हम या तुम? हाँ हम किसी और रास्ते से चले जाएंगे। सूरज भैया आप बड़े हो, ई का मतलब ई नहीं है कि आप हमसे ज्यादा समझदार हो। आप समझो हमके पास सबसे अच्छी तरकीब है। ए चुटकी, ये दादागिरी बंद कर। बहुत कर ली दादागिरी, अब तेरी दादागिरी नहीं सुनेंगे हम। अब वही होगा जो हम कहेंगे, समझी? हम पाकी हैं, चको दीदी नहीं। ये दादागिरी तो चको दीदी आपके ऊपर करत है। ये बात पूरी गांव जानत है। एक चकोरम पे कोई दादागिरी नहीं कर सकती है, और वैसे भी होली तक तो बिल्कुल नहीं कर सकती। हम ही फोन कर लेते छगन को और पूछ लेते सूरज के बारे में, फिर हमें उसकी इतनी चिंता नहीं होगी। ए, रुको रुको, सूरज क्या कर रही हो तुम? कहाँ जा रही हो बार बार? ये क्या हो रहा है? हमें हम पागल हो गए हैं क्या? मैं सूरज की आवाज सुनाई दे रही ना, क्यों सोच रहे हम सूरज के बारे में? चौकीदार पकड़ लेगा तो वो अकेले चौकीदार का ध्यान कैसे बटाएगी? किसने बोला हम अकेले हैं? हमारे साथ पूरी सेना है। कौन सी सेना? उसे बस्ती के बाहर काम मिल गया, पर बस्ती के बाहर उसे काम कौन दे सकता है? और वो इस तरह बस्ती छोड़कर कैसे जा सकता है?